क्या नाम है जी? मेरा नाम ममता। ठीक है जी, आप हॉस्पिटल से ही बोल रहे हैं। जी। ये डर होना एक अलग बात होती है, लेकिन जब आपको कॉल आए और डॉक्टर ने पूछा कि सो मैं पिछले 15 साल से नॉर्थ अमेरिका में रहता हूँ और हर एक दो साल में हम लोग इंडिया आते हैं, और जब भी इंडिया आते हैं जो मेन पर्पस होता है ना, वो होता है मस्ती, फुल ऑन मस्ती। फैमिली बड़ी बड़ी, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, फैमिली के साथ गेट टुगेदर, और मेन फोकस होता है हमारा खाने पे। घर में भी बढ़िया बढ़िया खाना बनाना और बाहर भी जाके सारी चीज़ें ट्राई करना जो हम मिस करते हैं नॉर्थ अमेरिका में। उसके अलावा ट्रैवल, चलने से पहले हमारे को रिस्क पता थे। निकलते टाइम हमें पता था कि टैक्सी लेनी है, प्लेन लेना है, एयरपोर्ट जाना है, इंडिया जाके टैक्सी लेनी है, और कहीं से भी आप कोरोना कैच कर सकते हो। रिस्क का पता होना एक अलग बात होती है, लेकिन जब आपको कॉल आए और डॉक्टर ने पूछा कि डू यू हैव एनी सिम्टम्स बिकॉज यू आर कोविड पॉजिटिव, तो वो जब आप सुनते हो देन इट्स डिफरेंट। आते ही तुरंत हम लोगों ने टेस्ट करवाए थे। द गुड थिंग इज़ कि फैमिली में बाकी किसी और का पॉजिटिव नहीं आया, बट मेरा पॉजिटिव आया कोविड। इसके लिए मेरे को आगे आने वाले 14 डेज आई हैव टू बी इन दिस रूम। हम लोग एक घर में रह रहे हैं, लेकिन मैं पिछले 2-3 दिन से किसी से भी मिल नहीं रहा। मैं उनके नज़दीक नहीं जा रहा है कि लक्ष्मण रेखा बन गई है ये दरवाज़ा, जिस दरवाजे से बाहर मैंने कदम नहीं रखा। इसी रूम के अंदर एक वॉशरूम है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादा। ये पीछे बालकनी है, ये बालकनी में चला जाता हूँ, लेकिन नॉट द ग्रेटेस्ट व्यूज़ फ्रॉम द बालकनी। यहाँ पे मज़दूर काम कर रहे हैं, बिल्डिंग में काम चल रहा है, उनको देखता रहता हूँ कि कैसे वो ठोका ठाकी कर रहे हैं। बस दिन ऐसे ही बीत रहा है फ़िलहाल। मेडिसिन में वो जो बाबा रामदेव की आती है कोरोनिल, बस वो, वैसे सिम्टम तो मुझे नहीं है कुछ। अच्छा, बाबा रामदेव वाली ले रहे हो आप? हाँ जी। बाकी और कोई मेडिसिन नहीं ले रहे? जिंक, विटामिन सी, इस तरह की? नहीं, मैं नहीं ले रहा। अच्छा। हाँ जी, ठीक है, वो भिजवाती हूँ मैं आपके पास। और आपके साथ फैमिली मेंबर कितने हैं? सिर्फ मेरा पॉजिटिव। एक बार मुझे नाम बता दो, फैमिली में कौन कौन है? साक्षी, ये वाइफ का नाम है। हाँ, साक्षी, ठीक है जी। और कोई भी दिक्कत हो, कोई काम हो, तो मुझे कॉल कर लेना इस नंबर। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम ममता। ठीक है जी, आप हॉस्पिटल से ही बोल रहे हैं? जी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई घर पे भी आते हैं कोई वैसे कुछ? हाँ, घर पे ही आ रहे हैं, घर पे आके ही देखे जाएंगे मेडिसिन। ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी, इंडिया में जो एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ मुझे लगी ना, जो मेरे को, हम इतने सालों से नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, जिस समय हम लोग कनाडा से निकल रहे थे उस समय हमने सोचा था कि निकलते हुए हम लोग अपने टेस्ट करवाएंगे। हमने कम से कम ने तो भी 10 जगह पे कॉल की होगी टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन कहीं भी 2 से 3 हफ्ते के अंदर हमारे को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी टेस्ट करवाने के लिए। जिन लोगों ने टेस्ट करवाए थे, हमारे एक रिलेटिव हैं वहाँ पे, जो कनाडा में सेम डे निकले हैं, फ्लाई किया उन्होंने, जिस दिन हमने फ्लाई किया, उन्होंने, उनको टेस्ट करवाया हुआ इस समय 9 दिन हो चुके हैं, 9 डेज, और अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई है।
इंडिया में हम लोगों ने टेस्ट करवाया, यहाँ आते ही टेस्ट करवाया, हमने फ़ोन किया था हॉस्पिटल से, हमारे घर पे आ गए थे, घर पे आके उन्होंने टेस्ट किया, हमारे को रिपोर्ट मिल गई और अभी मेडिकल से आपके सामने फ़ोन आया था, वो ये कह रहे हैं कि आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट है, हम दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हॉस्पिटल से भेज रहे हैं। मतलब आई कॉन्ट रियली बिलीव, जितना मर्ज़ी आप बोलो कि इंडिया में सिस्टम नहीं है, मतलब मैं सुपर इम्प्रेस्ड, आई कॉन्ट टेल यू कि मैं कितना इम्प्रेस्ड हूँ कि जिस समय उन्होंने टेस्ट किया इमीडिएटली आफ्टर दैट मेरे फ़ोन पे मैसेज आ गया कि आपका नंबर ये है, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। फिर रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के लिए भी मेरे पास SMS आया और उसके बाद से 3 बार मेरे पास फ़ोन आ चुके हैं, एक मेन डॉक्टर का, अभी फिर हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि हम आपके लिए दवाइयाँ भेज रहे हैं। मैंने उनको बिल्कुल नहीं बोला कि मेरे को दवाइयाँ चाहिए या कुछ भी चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बाबा रामदेव की जो कोरोनिल वगैरह है वो भिजवा दी थी, लेकिन अभी हॉस्पिटल से फिर फ़ोन आ गया है कि हम और आपके लिए भिजवा रहे हैं और आपकी वाइफ जो कि नेगेटिव है, उनको कोरोना नहीं है, उनके लिए भी भिजवा रहे हैं और आपके बच्चों के लिए भी भिजवा रहे हैं। आई कांट टेल कि हाउ इम्प्रेस्ड आई एम, कांट टेल। और मतलब मैं ये नहीं बोलना चाहता कि नॉर्थ अमेरिका में सीरियसनेस नहीं है कोरोना को लेकर, वो लोग भी बहुत सीरियस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन बेचारों की गलती नहीं है, क्योंकि रीज़न क्या है कि उनके पास मैन पावर ही नहीं है। वो लोग भी प्रोवाइड करना चाहते हैं आपको क्विक सर्विस, बट जो उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं और वो जो उन्होंने वो हर्डल्स बना रखे हैं ज़बरदस्ती की, वो हर्डल्स को वो हटाने के लिए तैयार नहीं है। जो कोविड है तो कई चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके टेस्ट जल्दी हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि सारे के सारे प्रोसीजर फॉलो करके लोग वेट ही करते जाएं। मतलब 2 या 3 हफ्ते के अंदर आपका टेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपका टेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो बेसिकली 2-3 हफ्ते में तो आप हो सकता है ठीक ही हो जाओ। तो वो जो चीज़ है वो इंडिया की कोई बराबरी नहीं है दुनिया के किसी भी देश के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मैन पावर इतनी ज़्यादा है जिसका कि आई थिंक गवर्नमेंट ने बहुत सही फ़ायदा उठाया है, और ये जो सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है ये बाकी कंट्रीज़ में पॉसिबल है ही नहीं। वैसे तो जिस भी फ्रेंड से मैंने अभी तक बात किया सबको बहुत बुरा लग रहा है कि हम लोग आए तो थे यहाँ पे गुड़गांव में अपने फैमिली के सपोर्ट के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, लेकिन हम खुद ही क्वारंटीन हो गए हैं और कोरोना हो गया ऊपर से, और मैं एक रूम में आइसोलेट हो गया हूँ। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हर चीज़ में जो होता है वो उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा कारण होता है, और हमें अगर हम देखें तो हमें नज़र आता है अच्छा कारण, जो मुझे अभी नज़र आ रहा है। देखो जब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं हमारे को 14 दिन के लिए, 14 डेज के लिए हमारे को क्वारंटीन करना ही है, स्टार्ट एंड एंड ये 14 दिन है। अब अगर मान लो ये 14 दिन क्वारंटीन करने के बाद में मेरे को कोरोना हो जाता, मुझे फिर 14 दिन के लिए क्वारंटीन करना है, या जब नेगेटिव रिपोर्ट आएगी तब तक क्वारंटीन करना है, और तब मैं फैमिली को हेल्प नहीं कर पाऊँगा जब उनको मेरी हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो कितनी अच्छी बात है कि मैं पहुँचा, पहुँचते ही मेरे को कोरोना हो गया और मेरे को पॉजिटिव आ गया। अब ये 14 दिन ख़त्म होंगे और उसके बाद में मैं आज़ाद पंछी हूँ, मैं खुल के हेल्प कर सकूँगा जहाँ मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी। तो isn't it the best thing that has ever happened? Hey guys.